आपने किसी ना किसी वीडियो में आई बटन के बारे में तो जरूर सुना होगा और लाइक कुछ इस तरह से आपको ऊपर आई बटन का नोटिफिकेशन देखने को मिलता होगा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इस तरह के आई बटन को अपने वीडियो में ऐड कैसे करते हैं या कैसे लगाते हैं? मैं आपको कंप्यूटर से और मोबाइल से दोनों डिवाइसों से अपने वीडियो पर आई बटन को लगाकर दिखाने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और वीके टेक इन्फो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। आपने सर्च बार में youtube.com टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप YouTube के होम पेज पर आ जाएंगे। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो आपको एक ऊपर एक बटन देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा आपने उस पर टिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर टिक करेंगे, सबसे नीचे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपने टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे, आपका जो ब्राउज़र है वो विंडो की साइट में बदल जाएगा, यानी कि कंप्यूटर की तरह वो चलने लगेगा। सिंपल सा आपने अपने यूट्यूब अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। तो अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर आपको साइन इन का बटन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने अपने अकाउंट को यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। तो चलिए मैं अपने चैनल के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक YouTube स्टूडियो देखने को मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा तो आपका YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने इसे क्लोज कर देना है, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर आई बटन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा आपने इसे क्लोज करके अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आपने दोबारा से इस YouTube स्टूडियो वाले ऑप्शन पर यहाँ पर कुछ टाइम तक इसको प्रेस करके रखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको दूसरे टैब में जाके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू इन स्टूडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो YouTube स्टूडियो है वो आपके क्रोम ब्राउजर में ही ओपन हो जाएगा। सेम उसी स्टेप को आपने कंप्यूटर में भी फॉलो करने हैं आई बटन को लगाने के लिए। आपने अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेम इस कंटेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंटेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी सारी वीडियो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो आपने किसी भी एक वीडियो के टाइटल पर आपने मोबाइल फ़ोन से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक डिटेल का बटन देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक कार्ड का बटन देखने को मिल जाएगा। इसके ठीक आगे एक एडिट का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पहले से ही एक आई बटन लगा हुआ है। यहाँ पर आपने कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहेंगे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो ऐड करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी जितनी भी वीडियो अपलोड होगी आपके चैनल पर, वो यहाँ पर सारी की सारी शो हो जाएगी। आपने किसी भी वीडियो को अगर अपने आई बटन पर लगाना है तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल सा मैं इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर टिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू रंग का साइन आ गया है। इसे आप अपने टाइमलाइन के हिसाब से जहाँ भी सेट करना चाहेंगे, इसे आप स्लाइड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये आपका टाइमलाइन है, अगर आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर रोक के इसे वहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से वीडियो प्ले करके भी देख सकते हैं कि आपने इस आई बटन को कहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर आपको साउंड भी सुनने को मिलेगा और यहाँ पर आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से आपको बहुत आसानी से आप कहीं भी अपने आई बटन को लगा सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।